हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में कि कितने सब्सक्राइबर होने पर कौन से प्ले बटन क्रिएटर्स को दिए जाते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सबने यूट्यूबर्स को देखा होगा जिसके पास सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन होता है। इन यूट्यूबर को प्ले बटन क्यों दिया जाता है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि YouTube उनको अवार्ड देता है। तो YouTube एक कंपनी है, कंपनीज की तरह YouTube भी चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पैसे कैसे कमाता है? दोस्तों, YouTube खुद कोई वीडियो नहीं बनाता है। YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर होते हैं मेरे और आपके जैसे, वो वीडियो अपलोड करते हैं, YouTube उसी वीडियो पर ऐड दिखाकर पैसे कमाता है। ऐसे देखा जाए YouTube तभी पैसा कमाएगा जब उसकी क्रिएटर्स वीडियो बनाएंगे और YouTube उन वीडियो पर ऐड दिखाकर पैसे कमाएगा, और इस तरह YouTube भी पैसे कमाएगा और अपने क्रिएटर्स को भी देगा। YouTube अपने क्रिएटर्स को मोटिवेट रखने के लिए ताकि वो प्रोत्साहित रहे और वीडियो बनाए, इसलिए YouTube जो है इन्हें YouTube क्रिएटर रिवॉर्ड देता है। तो अब हम बात करते हैं YouTube अपने क्रिएटर को कितने टाइप के अवार्ड देता है। फर्स्ट है सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन उन चैनल को दिया जाता है जिनके 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, वो सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आपको सिल्वर प्ले बटन के बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। नंबर 2 पर आता है गोल्ड प्ले बटन। जब किसी चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उनको गोल्ड प्ले बटन मिलता है। इंडिया में आपको इसके ही बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। जो नंबर 3 पर आता है वो है डायमंड प्ले बटन। जब कोई चैनल 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेता है तो उस चैनल को डायमंड प्ले बटन मिलता है। इंडिया में 10 मिलियन वाले चैनल बहुत ही कम है जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कस्टम क्रिएटर अवार्ड। ये अवार्ड उन चैनल को दिया जाता है जिसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 5 करोड़ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस अवार्ड को रूबी क्रिएटर अवार्ड कहते हैं। दरअसल इसके पीछे कहानी है। ये सबसे पहले क्यूटी पाई को मिला था 28 दिसंबर 2016 में, तो क्यूटी पाई ने इसको रूबी क्रिएटर अवार्ड नाम दे दिया क्योंकि जो उसको कस्टम क्रिएटर अवार्ड मिला था वो रूबी कलर में था। और ये कस्टम क्रिएटर अवार्ड है ये अभी तक पूरी दुनिया में 22 ही है और ये 22 ही चैनल को मिला है। तो नंबर 5 पर आता है रेड डायमंड क्रिएटर अवार्ड। ये अवार्ड उस चैनल को दिया जाता है जिसका 100 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है। अभी यूट्यूब में 4 ही चैनल है जिसमें से 2 हमारे इंडिया के है। नंबर 1 पर आता है टी सीरीज 178 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। नंबर 2 पर आता है प्यूडीपाई 190 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और नंबर 3 पर आता है कोकोमेलन नर्सरी रमेंस 108 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। नंबर 1 पर आता है सेंट इंडिया 100 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।